अमेठी रायबरेली पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने अखिलेश को क्या किया मैसेज, जिसकी सियासी गलियारों में खूब हो रही चर्चा। अखिलेश को मोबाइल से भेजे व्हाट्सएप मैसेज में प्रियंका ने क्या लिखा, जिससे जब अखिलेश ने पढ़ा होगा तो खुश तो जरूर हुए होंगे। अमेठी रायबरेली में ऐसी क्या बात हुई जिसके लिए प्रियंका ने अखिलेश से कह दी अपने मन की बात। कभी कभी कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो रिश्तों की बुनियाद को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए एक संदेश से सपा और कांग्रेस के रिश्ते की बुनियाद को बहुत ज्यादा मजबूती देने में अहम भूमिका ये निभा सकता है। वैसे भी देखा जाए सियासत की दुनिया में रिश्ते तभी ज्यादा दिनों तक टिक सकते हैं जब नेताओं के बीच एक दूसरे को बेबाक तरीके से मन की बात बताई जाए। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को जो मैसेज भेजा, उस मैसेज को पढ़कर अखिलेश खुश तो जरूर हुए होंगे, लेकिन उससे ज्यादा दोनों ही पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत बना होगा, क्योंकि यहां प्रियंका गांधी ने अखिलेश के सामने वो कहा जिसे कहने की हिम्मत नेता तो नहीं ही कर सकते, लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति की धारा को तोड़ते हुए एक नई धारा के बहने के लिए रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका ने अखिलेश को क्रेडिट दिया, शुक्रिया कहा। अब आप सबके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने संदेश में अखिलेश को किस बात का क्रेडिट दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही, खासकर अमेठी और रायबरेली में। बता दें कि अमेठी और रायबरेली दोनों संसदीय सीटों पर पांचवें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। सपा से कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद इस बार प्रियंका गांधी को एक अलग ही तरह का माहौल दिख रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से सपा कार्यकर्ता तालमेल बिठा रहे, जिस तरह से प्रियंका गांधी की रैलियों में सपा के आलाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं की सक्रियता दिख रही, उसे देखकर प्रियंका खुश हैं। हरचंदपुर में जब प्रियंका ने रैली की तो सपा के विधायक उनके रैली में मौजूद रहे। यहां तक कि प्रियंका और राहुल गांधी दोनों जब जनसभा कर रहे थे तो उस सभा को सफल बनाने में सपाइयों ने खूब पसीना बहाया। अब प्रियंका गांधी को सपाइयों का यही अंदाज भाग गया। इसे देखते हुए प्रियंका ने अखिलेश को भेजे मैसेज में लिखा था। उस मैसेज में प्रियंका ने अखिलेश को क्या लिखा उसके बारे में उन्होंने खुद बताया। इसका जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा, मैंने अखिलेश यादव को मैसेज किया कि आप लोगों से कई बार हमने अलायंस किया, इस बार उनके कार्यकर्ता जोश में लगे हुए हैं। आपके कार्यकर्ता हमारी बहुत मदद कर रहे और ऐसा हम भी कर रहे हैं। जहां जहां उनके प्रत्याशी हैं, मैंने अखिलेश यादव को ये मैसेज भेजा था। प्रियंका गांधी दावा कर रही, अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से कांग्रेस जीत रही, जनता समझदार है, यहां के लोग जागरूक हैं, सही निर्णय लेंगे। वहीं रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश सिंह पर प्रियंका गांधी ने कहा, उनका मुख्य काम है आतंक फैलाना, लोगों को प्रताड़ित करना, रायबरेली में कोटेदारों और प्रधानों को धमकाना, लोगों के मन में भय फैलाना। रायबरेली और अमेठी में भी लोग ऊब चुके हैं। वहीं अपने भाषणों में परिवार के नाम पर भावुक होने पर प्रियंका गांधी ने कहा, जहां जहां मैं जाती हूं वहां अपनापन है। मैं गांव से गुजरी, एक शख्स से मिली, वो रोने लगे, कहने लगे कि आपके पिताजी ने यहाँ पाठशाला बनाई थी। अभी किसी ने मुझे चिट्ठी दी कि आप बचपन में यहाँ आई थी और आपने हमें टॉफी खिलाई थी जब हम छोटे थे। हमारा यहाँ बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं। हम सांसद रहें या ना रहें, पर अमेठी और रायबरेली के रहेंगे।